as a student. Before I move further, again, a small message. देखिए बच्चों, जर्नल समझना इट्स नॉट अ इजी टास्क. ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँ, दिस इज अ फैक्ट. बट आई कैन गिव यू गारंटी अगेन कि अगर आपने भी एफर्ट किए, इलस्ट्रेशन किए, साथ का जो तुम्हें गिवन है इतना कुछ स्टफ, और छोटे छोटे डाउट्स कभी भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको हमेशा कहा है. तो डेफिनेटली आपके 7 डेज के अंदर अंदर आप एक अच्छे खासे एक्सपर्टीज लेवल पर होंगे और आपके माइंड में फीलिंग आएगा कि यस सर, आज से 2 डेज बाद हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे सर, बट आज यस वी आर कॉन्फिडेंट. गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? 100% दिस इज द फैक्ट. अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपका एफर्ट, और मेरी तरफ से आपके एफर्ट देखिए कि मैं आपको किस अंदाज में कुछ समझाने जा रहा हूँ. 100% देखिए, ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखिए. मैंने एक स्क्रीन आपसे डिस्कस की थी, शॉर्ट में उसको रिकैप करके क्वेश्चन समझाता हूँ, सेम टाइम इसी से रिलेटेड, सो दैट आप जो समझे उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सके. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस अगेन. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, बट देयर आर सम कंडीशंस व्हेन परचेज अकाउंट कम्स इनटू क्रेडिट कार्ड. ये हमने डिस्कस किया था. इसके से शॉर्ट में वापस से एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. व्हेनेवर देयर इज अ लॉस इन गुड्स, हमने डिस्कस भी किया था कि अगर गुड्स में कभी भी लॉस होगा, तो उस समय हमें परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? और उस समय कब होगा ये सब? जब गुड्स में लॉस हो, तब हम परचेज को डेबिट से कहा जाएंगे क्रेडिट में, राइट बेटा? चले आगे कंटिन्यू करें. चलिए, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? नंबर वन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि गुड्स अगर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया या डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ किया, तो सर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट पे. जब कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है सर, तो ड्रॉइंग्स क्या होगा? क्या भाई अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, कैपिटल इनडायरेक्टली कैपिटल माइनस हो रही है बच्चे. आप सोचिए, दिमाग लगाइए अपना, और परचेज अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ा बिकॉज गुड्स पे लॉस हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, गुड्स गिवन अवे फ्री सैंपल ऑब्लिक चैरिटी, ठीक है? तो इस कंडीशन में ये चैरिटी हुआ या फ्री सैंपल हुआ या एडवर्टीजमेंट हुआ, ये सब क्या है बिजनेस का? सर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होता है. एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? डेबिट. लेकिन फ्री में क्या आया? अगेन परचेज, क्योंकि तो परचेज ही आएगा, वेरी सिंपल. और वो भी कौन से प्राइस पे आएगा? कॉस्ट प्राइस. ध्यान रखना, अगर गुड्स आपने चैरिटी में दिया जिसकी कॉस्ट प्राइस 1000 थी, सेलिंग प्राइस 1500 थी, बट नहीं, सेलिंग प्राइस कब एप्लीकेबल होगा बच्चों? जब आप गुड्स सेल करेंगे बच्चों. यहाँ पर आप गुड्स सेल आउट नहीं कर रहे, गेटिंग माय पॉइंट? तो परचेज को क्या किया आपने? क्रेडिट किया. थर्ड पॉइंट, मैंने आपसे डिस्कस किया था गुड्स यूज इन मेकिंग ऑफिस असेट, आपने ऑफिस की असेट बनाई, तो असेट डेबिट हो रही और परचेज क्रेडिट हो रहा. मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप टिम्बर मर्चेंट है, लकड़ियाँ जो रखते हैं बड़ी बड़ी, राइट, मार्केट में है ऐसे रिटेल बिजनेस में, तो वो खुद भी तो अपनी दुकान के लिए फर्नीचर बनाएंगे, या अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसे कहेंगे टिम्बर देखो निकलो भाई बाहर से, बैठाने की जगह नहीं है हमारे पास, सिटिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल. ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हमें भी तो फर्नीचर बनाना पड़ेगा. और हमने सोचा कि क्यों खरीदे, क्यों ना अपने ही टिम्बर से परमानेंट एक बढ़िया सा फर्नीचर बनवा ले. तो आपने गुड्स को यूज किया इसलिए अपनी ही असेट बनाने के अंदर. तो जो भी असेट आप बना रहे, सपोज गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर आ जाए, इट मीन्स आपने गुड्स यूज किया फर्नीचर बनाने के लिए, इट मीन्स आप टिम्बर मर्चेंट है, तो आपका एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट बन गई आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. लेकिन वो टिम्बर को आप बेचने के लिए लाए थे बेसिकली, और आपने बेचा नहीं, उस टिम्बर का क्या किया? यूज कर लिया, तो लॉस तो हो गया भाई, लॉस तो हो गया डायरेक्टली, क्योंकि आपने इस टिम्बर को यूज में ले लिया, यानी कि गुड्स आपने सेल आउट नहीं किया, लॉस हो गया, तो परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, वेरी सिंपल. पॉइंट नंबर 4 से आते हैं, यहाँ थोड़ा सा टेंशन है. क्या टेंशन है? ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, और समझना. और विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाता हूँ. गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 80% अमाउंट. हमारे गुड्स में आग लग गई, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 80% अमाउंट. आप सोचिए पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? लॉस बाय फायर अकाउंट दिया, टू परचेजेस 10,000, 10,000 डन. आग तो लग चुकी है बच्चों,
एंट्री तो करनी पड़ेगी, लॉस्ट बैच आर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट 10,000। सेकंड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे आप या बिना मांगे दे देंगे? इंश्योरेंस कंपनी को सपना तो नहीं आ रहा ना बच्चों की आपकी दुकान में आग लगी। आप पहले क्लेम की डिमांड करेंगे ना बच्चों, आप पहले जाएंगे वहां पर पैसे मांगने के लिए, तो आप क्या एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो तो डेबिट क्यों किया? जस्ट लाइक आवर एसेट, हमारी एसेट बन गई कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी थी, हमारे लिए एसेट बन गई। और डेबिट से क्रेडिट में क्या हुआ? लॉस बैक आया। आप इंश्योरेंस कंपनी से क्यों पैसे मांगेंगे? फर्स्ट एंट्री क्लियर है, लॉस बैक आया, दिया टू परचेज 10,000। सेकेंड एंट्री, सेम अमाउंट से आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने की एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया 10,000 टू लॉस बैक आया 10,000, यानी कि अब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब मांगने से क्या होता है? मांग से स्कूल भी बच्चे से सीख रहा है, लेकिन पेरेंट्स को अपनी अपनी दुनिया में चल रहा है कि स्कूल तो कुछ भी नहीं कर रहा। अभी हम ये इंसिडेंट सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, बिंदास रिकॉर्डिंग, आई डोंट हैव एनी फियर इन एक्सप्लेनिंग एनी थिंग दैट कि कई पेरेंट्स का मानना है कि स्कूल कर क्या रहा है। सीरियसली, वी आर डूइंग नथिंग विद इट, स्कूल इज डूइंग नथिंग, हमारा स्कूल से कुछ भी नहीं कर रहा, टीचर्स भी फालतू का ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आप सब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, दिस इज अ मैसेज एक्चुअली फॉर ऑल दी जो छोटा बड़ा बच्चा लोग है, फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, सभी के पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि स्कूल कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो सेकंड पॉइंट चली तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सीरियस में हो गया था, बट हमारा काम सभी अकाउंट समझना है। पहली एंट्री आग लग गई 10,000 की एंट्री की, सेकेंड एंट्री दिमाग लगाइए, इंश्योरेंस कंपनी भले 80% दे रही है, वो फाइनल रिजल्ट है, आप मांगोगे कितना ये बताइए। सर जितने की आग लगी है 10,000 की आग लगी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गया था सर, हमने सेकंड एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग लिया, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बैक आया 10,000। अब फाइनल एंट्री, अच्छा देखिए इसका भी नरेशन, देखिए इसका नरेशन, बी अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अब पैसे ड्यू है, आप पैसे मांग रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, आप वेट करें कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कंक्लूजन निकालती है, क्योंकि मांगना इज डिफरेंट, बात आती है मिलने पे। और लास्ट एंट्री 80% अमाउंट हमें मिला, अभी भी मैंने डिस्कस किया पहली एंट्री 10,000 से, दूसरी एंट्री भी 10,000 से, अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 80% अमाउंट दिया। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉस, क्या ये ऑर्डिनरी लॉस है किसी फॉर्म का? क्या ऐसा होता रहता है क्या बेटा? आप इतने सारे बिजनेस फैमिली से कोई बता सकता है कि सर ये तो सर लॉस सर हमारे सर होता रहता है सर, हर महीने महीने में ऐसा सर होता था? ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस, राइट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 80% अमाउंट दिया, यानी कि 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया बच्चों। क्या ये नॉर्मल लॉस है? नहीं सर, ये स्पेशल लॉस है। इसकी एंट्री क्या होगी सोचिए, थर्ड एंड फाइनल एंट्री, पैसे आ रहे हैं सर बैंक अकाउंट दिया, 80% ऑफ 10,000 विल बी 8,000, सर 2,000 का लॉस हो गया, स्पेशल लॉस है सर, इट इज नॉट ऑर्डिनरी लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ओपन करना पड़ा, वो भी डेबिट में, क्योंकि लॉसेस डेबिट में आते हैं और पैसे आ रहे हैं कैश चुने नहीं करते, क्योंकि कंपनी आपके घर कैश देने नहीं आएगी, आपका अकाउंट क्लियर करेगी। और टू में पैसे कौन दे रहा है आपको? ये बच्चों, टू में पैसे कौन दे रहा है? सर इंश्योरेंस कंपनी। टू में पैसे कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या आप सब मैजिक देखना चाहते हैं क्या? अगर आप इस एंट्री का मैजिक देखना चाहते हैं तो जल्दी से रेज योर हैंड कर दीजिए, इफ यू वॉन्ट टू सी द मैजिक। बेटा सच में मैजिक ही है ये, इससे ईजी बन सकता है ये ट्रांजेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। If you want to see the magic, सच में मैजिक है, इसमें कोई जोक की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए आइए मैजिक लिखते हैं। देखिए इस एंट्री का मैजिक जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, देखिए मैजिक क्या करने वाला हूँ, क्या करना ध्यान से। लॉस बाय फायर कहाँ दिख रहा है आपको? डेबिट। लॉस बाय फायर कहाँ दिख रहा है बच्चों? डेबिट। देखिए ध्यान से, लॉस बाय फायर डेबिट, और अब देखिए लॉस बाय फायर कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट। लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर कैंसिल। वंडरफुल बच्चों चेक कीजिए, लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर कर दिया, कैंसिल हो गया, फिनिश। नंबर वन मैजिक। नंबर टू देखिए, इंश्योरेंस कंपनी दिख रहा है आप सबको? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट में, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ है? डेबिट में है, राइट बच्चों। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी कहाँ आ रही है? क्रेडिट में। और यही तो फंडा अकाउंट्स का जो मैंने आपको अगेन एंड अगेन समझा रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। अब आप बता सकते हैं नेट इफेक्ट क्या बचा इस एंट्री का? इस एंट्री का नेट इफेक्ट क्या बचा सर?
पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रही है, बैंक अकाउंट हमने डीआर किया, सर 1000 रुपीज मिला है, सर 2000 का लॉस हो गया, स्पेशल अकाउंट ओपन किया, पीएनएल अकाउंट दिया, और सर कुछ भी तो सर बुक्स तो चला गया सर, बुक्स में तो आग लग गई सर, अब परचेज से क्रेडिट होगा ही होगा, भले इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाए, भले इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाए, आप देख रहे हैं मैजिक। फाइनल इसकी शॉर्ट एंट्री आप चाहें तो आप एक सिंगल एंट्री बना सकते हैं, आप चेक करना पूरे बीकानेर में कोई भी साइट से अगर आपको एक्सप्लेन कर दें तो मेरी तरफ से भी इसको प्रणाम करें, ठीक है बच्चों। दिस इज द मैजिक, अब देखिए मैजिक कैसे मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं। यस, इन शॉर्ट वी कैन पास वन सिंगल एंट्री आल्सो फॉर दी अबाउट बैंक अकाउंट डी आर, पीएनएल अकाउंट डी आर, टू परचेजेस। व्हाट इज बच्चों, क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो फिर से रेज हैंड कीजिए, अदरवाइज मैं आगे चेकशीट करता हूँ। अब बताइए किसी को डाउट है, यानी कि आप चाहें तो एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक डी आर 8000, पीएनएल डी आर 2000, और टू में गुड्स चला गया बच्चों, भले पैसे मिल जाए, पैसे मिल गए आपको डजंट मैटर, लेकिन गुड्स तो चला गया ना, गुड्स तो चला गया, लॉस तो हो चुका है, क्लियर है बच्चों ये सब कुछ। अब आइए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अभी के अभी, आइए चेक कीजिए। अब आपको अगर ना समझ रहा आपकी क्लास के बाद तो मेरी गारंटी, आइए लेट सेशन नंबर 20 आपकी बुक का क्या लिखा हुआ दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज, प्लीज अगर आप चाहें तो अपने रजिस्टर में भी वर्कआउट कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट। क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, हमने कैश भी विड्रॉ किया और हमने गुड्स भी विड्रॉ किया, सर इसको हम ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे बच्चों, क्या हम इसको ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे, क्या एंट्री होनी चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग्स कैपिटल तैयार होता है परमानेंट लाइफ में, फिक्स है, आप भले एक साल बाद भी अकाउंट देखेंगे या आप ट्वेल्थ में भी देखेंगे कैपिटल से क्रेडिट होगी बच्चों, ये कंफर्म है, और ड्रॉइंग्स मीन्स व्हाट, कैपिटल से माइनस करने का एक रिसोर्स है, क्योंकि ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम दी कैपिटल, यस राघव आई थिंक आप एग्री करेंगे इस बात को, ठीक है बच्चों, ठीक है, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक सेकेंड एक सेकेंड, आई एम श्योर आप सभी देख पा रहे हैं, यस। चलिए तो प्रोप्राइटर ने क्या किया बच्चों, गुड्स भी विड्रॉ किया, कैश भी विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स तो दिया होगा, नंबर वन एक आस्पेक्ट समझ गया। अब देखिए कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश का वट इज द रेट ऑफ कैश, आए तो लिया क्या तो किया, तो ये तो वेरी इजी टू कैश होगा ही होगा, बट अब जरूर आप गुड्स जो अभी अभी हमने पढ़ा था क्या रोल था बच्चों, कि सर परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, बट अगर गुड्स में लॉस हो रहा है तो परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ना बच्चों, बट शुड बी दी एंट्री, सोचिए जल्दी से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, अब कैश कितना जा रहा है बिजनेस से 20,000, परचेजेस कितना जा रहा है 10,000, टोटल ड्रॉइंग्स कितना किया 30, अब कुछ बच्चे पता है क्या एंट्री करते हैं, टू कैश भी कर देंगे एकदम सही, और टू गुड्स कर देंगे, प्लीज बी केयरफुल, गुड्स के लिए यहाँ पर दो ही वर्ड है, आइदर परचेज और सेल, आइदर परचेज और सेल, राइट, अब यहाँ पर सेल तो किया नहीं है, यहाँ तो गुड्स में लॉस हो रहा है, तो टू परचेज कर देंगे हम, वेरी सिंपल, बिकॉज परचेज हमेशा डेबिट होता है, बट इन केस ऑफ लॉस इन गुड्स परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। पहली एंट्री में किसी को डाउट है तो आप रिजन कर सकते हैं, वही समाज से ट्रीट करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000, टू कैश 20,000, टू परचेज 10,000। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुड्स फॉर रुपीज 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, आपने गुड्स कितने दे दिया बच्चों, चैरिटी में दे दिया बच्चों, किसने दे दिया चैरिटी, तो चैरिटी एक्सपेंस है, अभी अभी हमने पढ़ा था, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट, व्हाट इज हाउ मच रुपीज 50-50, नो सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस केवल सेल्स के लिए यूज होता है बच्चों, राइट। थर्ड देखिए, गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने गुड्स किसने दे दिया, फ्री सैंपल में दे दिया, कोई इश्यू नहीं है बच्चों, फ्री सैंपल में दिया है तो क्या होगा, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, फ्री सैंपल दिया टू परचेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर क्या मैसेज दे रहा है, पॉइंट नंबर फोर, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई, अच्छा जी,
आपके एम्प्लॉय ने क्या किया सर? कुछ कैश और कुछ गुड्स चुरा लिया सर। कोई बात नहीं सर, लॉस हो गया। लॉस में थेफ्ट डेबिट होगा बच्चों? लॉस में थेफ्ट तो डेबिट होगा ही होगा, कंफर्म, क्योंकि लॉस हुआ है बच्चों। किस किस चीज में लॉस हुआ बताइए सर? कुछ तो है गुड्स में लॉस हुआ है और कुछ कैश में लॉस हुआ है। तो टू कैश भी लिखेंगे, टू परचेजेस भी लिखेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर अमाउंट छोड़ दीजिए। सबसे पहले गुड्स में लॉस हो रहा है, टू क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट 50,000 और टू कैश 20,000। सर क्यों सर? क्रेडिट क्यों क्या? हाँ इसका भी आप लिख सकते हैं कि क्रेडिट क्यों क्या, क्योंकि परचेज करूँ तो वेरी सिंपल है, हमेशा डेबिट होता है। बट गुड्स में अगर लॉस हो जाए, जैसा कि इस फॉर्म में हुआ भी है, तो परचेज को आपने क्रेडिट कर दिया। बट अबाउट द रूल ऑफ कैश सर, आए तो दिया और लेकिन यहाँ पर तो चला गया ना सर, चुरा लिया एम्प्लॉय ने, तो कैश को भी क्रेडिट कर दिया। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 70,000 rupees। और लास्ट टाइम का आंसर मैं चेक करना चाहूंगा कि आप लोग कितने बच्चे रेज योर हैंड कर रहे हैं, और ऊपर ऊपर आपको आंसर भी दिख रहा है शॉर्ट में। इफ यू कैन सी, इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट क्लेम एडमिट इन फुल, सेम मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। नाउ वांट कि आप में से कोई बच्चा मुझे सिक्स पॉइंट का आंसर एक्सप्लेन करें। गुड्स प्रॉपर्टीज 1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। क्योंकि अगर ये आपकी जो आपने नॉलेज ले लिया ना, हर छोटी छोटी नॉलेज से आप जनरल में परफेक्ट बन जाएंगे 100%। कौन बताएगा फिफ्थ पॉइंट का आंसर बच्चों? गुड्स में आग लगी 1 lakh rupees की, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया और कितना पे किया, मतलब फाइनली सर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम तो एक्सेप्ट कर लिया बट पेमेंट कितना किया? 60% अमाउंट। आप चाहें तो शॉर्ट वाली एंट्री भी बोल सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप चाहें तो पूरी 3 एंट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा बच्चों? जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिशियन नंबर 19। क्या आप किसी को ट्राई करना चाहेगा बच्चों? फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, रिसीव 38,000 फ्रॉम क्रिशन सरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 40,000। हमें एक इंसान से 38,000 rupees मिला, फुल सेटलमेंट ऑफ 40,000। इट मीन फुल सेटलमेंट आ गया, डिस्काउंट तो होगा ही होगा, राइट? वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं चाहता हूँ कि बच्चों मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूँ वापस इसके ऊपर। आइए एक तरह देखिए, चेक करते हैं। हाँ जी, ये चीज कुछ डिस्कस कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ, ये बैंक के ट्रांजेक्शन है, ये भी डिस्कस करना है। ये देखिए प्लीज, प्लीज यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑल्सो। बच्चों पता क्या होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है, मानसून देखा ना, तो जनरल में कुछ ऐसा ही है बच्चों, बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है। आज आपने इंश्योरेंस वाली नॉलेज दे ली, कुछ भी आज आप ये 7 पॉइंट पढ़ रहे हैं जो आपकी फाइल चाहिए। आइए रीड करते हैं इसको जल्दी से। क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेटलमेंट, रिफ्रेश कीजिए अपने माइंड को प्लीज। अगर माइंड में किसी के भी नेगेटिव थॉट आ रहा है कि क्या ऑनलाइन नहीं आ रहा, प्लीज दूर कीजिए इसको, बिकॉज पॉजिटिव वाइब्स अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो सच में आपको फील आएगा कि हाँ यार थोड़ा मुश्किल जरूर है बट समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से टीचर भी एफर्ट कर रहा है। देखिए मैंने आपके सामने एक नई फाइल ओपन की है, अब बुक से साइड में आ गया हूँ मैं, अब मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ। क्वेश्चन रिलेटेड टू सेटलमेंट, जनरली इन केस ऑफ सेटलमेंट टू कंडीशन मे अराइज, आइदर वी आर रिसीविंग अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और अगर क्रेडिटर्स मे सेटल देयर अकाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी कि या तो हमारे डेटर्स हमारा अकाउंट सेटल कर रहे हैं या हम अपने क्रेडिटर का अकाउंट सेटल कर रहे हैं। अब देखिए व्हेन आवर डेटर्स सेटल देयर अकाउंट, देखिए कंडीशन नंबर ए दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है कंडीशन नंबर ए? सोचिए बच्चों सोचिए सर, हम अपने डेटर्स से सपोज 50,000 rupees मांगते थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज हम अपने डेटर से कितना रुपीज मांगते थे बच्चों? 50,000 rupees, 50,000, और डेटर्स आए और आपको बता रहे हैं क्या किया, 49,000 दे दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हमने कहा भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो कस्टमर क्या कह रहे हैं, हो गया भाई, हम तो तुम्हारे परमानेंट कस्टमर है, पक्के कस्टमर है, पूरा थोड़ी ना होता है, कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान के हो तुम भी हम भी, थोड़ा बहुत तो चलेगा, यानी कि हमने चूना लगा दिया। और ऐसा होता है जनरली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, हम ऐसी कोशिश करते हैं, वी ऑल इंडियन,
हमारा टारगेट रहता है कि कहीं डोर पर भी डिस्काउंट मिलता है तो हम बहुत खुशी खुशी लेते हैं उसको। अग्री करेंगे आप सारे? बिल्कुल सेट क्या बच्चों, ठीक है चले आगे। देखिए हमें कैश मिल रहा है तो कैश को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट ज्यादा कोई भी बच्चा अगर किसी को कंफ्यूज कर रहा है तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अपने कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं कैश उस कभी मिलते थे बच्चों, कैश को डेबिट किया फिर हाउ मच अमाउंट, अभी अभी मैंने बोला 49,000। लेकिन सर हम अपने डेटर्स से कितना मांगते थे सर, 50,000 मांगते थे, 50,000 तो 250 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डेटर्स का अकाउंट क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है सेटल। लेकिन सर 50 मांगते थे, क्रेडिट में टू डेटर्स 50 लिख तो दिया सर, कैश तो हमें केवल 49 ही मिला सर, बाकी 1,000 के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे बताइए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया सर, डीआर क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए लॉस है, वेरी सिंपल सीमा लग गया हमें बेटा। और इसका अभी इसमें अगर रिवर्स चले तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको, व्हेन वी सेटल द अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर्स, जब हम अपने क्रेडिटर का अकाउंट सेटल करते हैं, सपोज हमें किसी को 10,000 रुपया देने हैं, सपोज हमें किसी को 10,000 देना है, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू, सोचिए टू में कैश भी आ सकता है, टू में बैंक भी आ सकता है, अगर आपने चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया, ड्राफ्ट याद कीजिए हमने रिजर्व सर्विस को भी पढ़ा था, को रिलेट कर रहा हूँ, आप ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट देंगे तो भी टू बैंक ही आएगा, चेक से देंगे तो भी बैंक आएगा, क्योंकि फाइनली आपका बैंक ही माइनस होने वाला, ये बात कन्फर्म है। तो समझिए कि क्रेडिटर्स को देना था सपोर्ट 10,000, हाउ मच रुपीज बच्चों, 10,000 रुपया, आपने फाइनल सेटलमेंट में सपोर्ट 9,000 रुपीज दिया, कितना रुपीज दिया 9,000, तो 1,000 का बच्चों हमें क्या मिल गया डिस्काउंट, कितना मजा आता, फीलिंग आती है, यस डिस्काउंट मिल गया सर, मजे आ गए सर, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है राघव, क्रेडिट होता है या नहीं होता? अब अगर आप चाहें तो इसको और गहराई से समझ सकते हैं, और गहराई से समझाऊं डोमेन प्रैक्टिकली बच्चों आप सभी को, चेक कीजिए कि बेटर बेटर सही है, ये है संता, ये कौन है बच्चों, संता, जिसे आज से 2 महीने पहले आपने 20,000 का गुड सोल्ड किया था, कितने रुपीज का गुड सोल्ड किया था बच्चे, कितने रुपीज का 20,000, क्लियर है, हमने संता से 30,000 रुपए का गुड सोल्ड किया था, हमने क्या एंट्री की होगी जरा सोचिए सर, संता अकाउंट दिया किससे, अग्री करेंगे ना बच्चों, 2 महीने पहले आपने संता को गुड्स बेचा 20,000 का, आपने क्या एंट्री की, संता दिया किससे, और आज जब संता हमें पैसे दे रहा है भले फाइनल सेटलमेंट में दे रहा है, संस्था का अकाउंट डेबिट से कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट, संस्था का अकाउंट डेबिट से कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट, और संस्था का गेम ओवर हो जाएगा। यही तो एक स्ट्रेटेजी है बच्चों, सिमिलरली क्रेडिटर्स में आते हैं, आपने जब गुड्स खरीदा था सोचिए आपने क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट यानी क्रेडिटर्स सीआर में, तो क्रेडिटर्स कहा लिखे थे बच्चों आपने, सीआर में, अब क्रेडिटर सीआर में कहाँ आ जाएगा, डीआर, सोचिए जो अकाउंट हमें क्रेडिट था बाद में डेबिट, रीजन है ना, रीजन है कि आप डेबिटी कम हो रही है या पाने वाले को डीआर करो, आप जैसा समझना चाहो समझ सकते हो, बट प्लीज ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं बता नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, आप ये भी बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके पाने वाले को डीआर करें डेबिट डायरेक्शन में, क्लियर है बच्चों। अब हम ये पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन पे आना चाहिए, आइए वापस से क्वेश्चन पे जल्दी से। अब आप बताइए 38 नंबर, आप में से कौन बताएगा मुझे 38 नंबर पॉइंट, यस आई एम सॉरी 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, and you also can become, you also can make the question easy, right? अब देखिए first point तो clear था, 38,000 हमें special के रूप से मिला है in full settlement of 40,000, यानी कि यहाँ पर settlement word आ गया, वो भी full settlement, full settlement, तो आपने entry की cash account लिया 38,000, discount allowed DR या discount account लिया 2,000, DR में क्यों लिखा राघव, loss हो रहा क्योंकि नहीं, वेदांत राघव नीरज तुषार भानु अमोल ठीक है ना, कैश आ रहा 38,000, 2,000 का डिस्काउंट लॉस है, इसलिए डेबिट किया, तुम्हें पैसे देने वाला कौन, कृष्ण स्वरूप। इतनी सोचिए आपने आपसे कुछ टाइम पहले कृष्ण स्वरूप को गुड्स बेचा था, तब आपने क्या एंट्री की थी,
कृष्ण स्वरूप दिया तो से उस टाइम कृष्ण स्वरूप डेबिट में था, आज डेबिट से कहां आ गया क्रेडिट में। सेकंड पॉइंट, क्या आप इसे कोई डिफरेंस बता सकते हैं? सेकंड पॉइंट, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40,000, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40,000। यस, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट और सेकंड किस सर? सेकंड पॉइंट में हमें कोई सेटलमेंट नहीं कह रहे, इट मीन अभी केवल हमें दुष्यंत को 38,000 मिला है, 2,000 वो बाद में दे देगा, कोई बात नहीं। मतलब अगर फुल सेटलमेंट ना लिखा आए तो चला के उस टॉपिक को क्लोज मत करना कि भाई सर दुष्यंत से हम 40,000 मांगते थे, 40 से वो डेबिट था पहले, क्योंकि जब आपने जो बेचा होगा तो आपने दुष्यंत दिया तो सेव किया होगा, तो डेबिट से क्रेडिट भी कितने से होगा दुष्यंत 40 से? अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है। अभी दुष्यंत ने हमें कितना पैसा दिया? 38,000। हाँ, ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40 का मतलब क्या है? हम उससे मांगते कितना थे? 40 मांगते थे सर, कोई बात नहीं, जितना मिल गया बाकी बाद में दे देगा, डूबा तो नहीं लगा कम से कम, कोई टेंशन नहीं। एनपीओबी बच्चों कैश अकाउंट दिया थे दुष्यंत 38,000, कोई सेटलमेंट हुआ नहीं लिखा, इट मीन अकाउंट सेटल नहीं हो रहा, 2,000 रुपए वो हमें बाद में देगा। बाकी बच्चे एंट्री चेक करना चाहेंगे आप, चेक कीजिए जल्दी से। फर्स्ट में तो फुल एंड फाइनल हो गया, सेकंड में कहीं पर भी फुल एंड फाइनल नहीं लिखा बच्चे, तो सेकंड की एंट्री देखिए 38,000 से की। कितने से की है सेकंड एंट्री? 38। जल्दी से थर्ड सोचिए, जल्दी से थर्ड सोचिए। बीरू हु ओड अस, अब बच्चे कहते हैं सर बाकी सब ठीक है, ये ओड वर्ड है ना सर, बड़ा ही गंदा है सर, हमें समझ ही नहीं आता। कभी मत बोलना और, मैंने पहले भी आई थिंक आपको एक्सप्लेन किया था, और मतलब अमाउंट टू बी पेड, यानी कि बीरू को हमें 15,000 रुपए देना था और वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया। और एक बात बता दूं मैं आपको, हम कभी इंस्टॉलमेंट नहीं डिक्लेयर होंगे, कौन होगा बेटा? सामने वाला कस्टमर। तो बीरू इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया बच्चों, और उससे हमें 65 पैसा रुपये मिला है, इट मीन्स हम उससे 15,000 रुपए मांगते थे, उसने हमें 65% पैसा दे दिया और बाकी नहीं दिया, कोई बात नहीं। जितना पैसा आ रहा है वो आपका कैश है, डेबिट कर दोगे, और जितना पैसा आपका डूब रहा है उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? डेबिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों? डेबिट अकाउंट। सुना था आपने अकाउंटिंग टर्म्स भी, अगर आपके कस्टमर बेटर आपका पैसा डुबा दे तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? डेबिट अकाउंट। आपका हिसाब किताब क्या होगा? मैं परसेंटेज में बता रहा हूं बच्चे, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया 65% अमाउंट, बैडेट अकाउंट दिया 35% अमाउंट टू बीरू, यानी कि हम बीरू से 15,000 रुपए मांगते थे, टू बीरू 15,000 आएगा बच्चों, लेकिन उसने हमें कैश कितना दिया? 65%, और बाकी पैसा डूब गया। चेक कीजिए एंट्री, इट इज अ गुड पॉइंट, और बैडेस्ट का पॉइंट आपके पेपर में 100% आता ही आता है, मान के चलिए। चेक कीजिए बच्चों प्लीज, कैश अकाउंट डीआर, बैडेस्ट अकाउंट डीआर टू बीरू, और बीरू को क्रेडिट कितने से किया बच्चों? जल्दी से बताइए सर, जितने से डेबिट था। जितने से डेबिट का क्या मतलब है सर? जितने का आपने उसको गुड्स बेचा होगा, सोचिए 15,000 का बेचा होगा, हो सकता है। तो एंट्री क्या की होगी? बीरू डीआर तो सेल्स 15, 15, आज बीरू डेबिट से कहां आ रहा है? क्रेडिट। जीरो डेबिट से कहा रहे क्रेडिट, और 35% अमाउंट डूब गया, तो बाकी आपको कैश मिल गया, कहानी खत्म। राइट बच्चों, जल्दी से आगे चले, हमारे पास लेस देन 1 मिनट बचा है। मेरा ये पर्सनल सजेशन है, 4th और 5th पॉइंट आप ट्राई कर सकते हो, मैंने इस चैप का पॉइंट आपको डिस्कस कर रखा है आपके साथ बच्चों। आपका जो टास्क है, अगेन एक तो मेरी फाइल चेक करना है बच्चों, जो मैंने फाइल आपको रूल्स रेगुलेशन की भेजी है, प्लीज यू हैव टू चेक, यू शुड चेक। इलस्ट्रेशन नंबर 19 आप कर सकते हैं इजीली बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट आल्सो इलस्ट्रेशन नंबर 19 देन, और उससे पहले अगर बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 आप नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, उसमें कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन है, बट इलस्ट्रेशन नंबर 17 आप कर सकते हैं बच्चों। यस, इलस्ट्रेशन नंबर आप 17 कर सकते हैं, इट इज गुड पॉइंट, आराम से आप इजिली कर सकते हैं। आपके पास बुक है, आप चाहे तो मुझसे बुक वापस से ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक प्लीज, ये करंट चैप्टर, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, प्लीज रिवाइज करते रहिए,
प्लीज रिवाइज करते रहिए, और इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, व्हाटएवर द डाउट यू फेस। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।